मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। जंगल में राजा था शेर। कौन है जंगल का राजा? शेर। राय। तो शेर ने एक मीटिंग बुलाई अपने सारे जानवरों की और उसने कहा कि ये आदमी जो है इतना कमजोर है, लेकिन हमें गुलाम बना के रखता है। जब चाहता है चिड़ियाघरों में हमें बंद कर देता है, जब चाहता है हमें अपना गुलाम बना लेता है, जब चाहता है हमें मार देता है। तो क्या है आदमी में इतनी खास बात जो हम जानवरों के ऊपर, हम इतने ताकतवर हैं, यू नो, छोटे से बिल्ली से भी हम हार सकते हैं, चूहे से भी हम डर जाते हैं, छिपकली और कॉकरोच से भी हम डर जाते हैं। तो शेर ने कहा ये इंसान का बच्चा इतना कमज़ोर होते हुए भी हम जानवरों को पिंजरे में बंद कर लेता है, क्या करता है ये, क्या करना चाहिए। तो शेर ने कहा, कुछ जानवरों को लगाया कि चलो जाओ इंसानों की बस्ती में जाओ और थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, देखो कि इंसान का बच्चा क्या करता है, जो कि हम लोगों को भी इसके अंडर, इससे दब के रहना पड़ता है, राइट। कुछ आए जानवर हमारे समाजों में, हमारी सोसाइटीज में, उन्होंने देखा कि इंसान का बच्चा पढ़ाई करता है। तो जानवरों ने जाके अपने राजा को फीडबैक दिया, उसने बोला कि साहब ये तो जो है ना कुछ नहीं है, सिर्फ स्कूल जाते हैं और सब बच्चे ना पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके पता नहीं क्या कर लेते हैं कि हम जानवरों के ऊपर भी जीत हासिल कर लेते हैं और हमें काबू में कर लेते हैं। तो शेर ने बोला ठीक है, अब हम जानवरों के लिए स्कूल खोलेंगे और जानवर के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। तो साहब स्कूल खुला गया, वहाँ के अंदर बहुत सारे सब जगह सब घरों के बच्चे आए, एक मछली का बच्चा आया, एक बंदर का बच्चा आया, एक चिड़िया का बच्चा आया, एक सांप का बच्चा आया। देख रहे हैं ये पूरी क्लासरूम है, सारे बच्चों ने आकर क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया, राइट। 6 महीने उनकी खूब अच्छे से पढ़ाई हुई, बहुत बढ़िया टीचर्स ने उनको समझाया सिखाया और बहुत तरह की उनको तालीम दी, बहुत तरह की उनको नॉलेज दी। उसके बाद क्या होता है एग्ज़ाम, हम 6 महीने पढ़ने के बाद क्या होता है फिर? एग्जाम्स, राइट। उसके बाद एग्जाम्स हुआ तो सब जानवरों का एग्जाम्स लिया गया, टीचर्स ने सबका एग्जाम लिया और एग्जाम लेने के बाद क्या रिजल्ट आता है हमारा? फेल। कितने बच्चों ने बोला फेल? राइट। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग हुई और जब रिपोर्ट कार्ड देने गए तो मछली की मम्मी आई लेने के लिए, तो उसने बोला कि टीचर से पूछा कि भाई क्या मेरा बच्चा कैसा है, तो उन्होंने बोला हाँ थोड़ा बहुत तैरना तो जानती है लेकिन ना इसका इंटरेस्ट चलने में तो जरा भी नहीं है और पेड़ पे चढ़ने की तो सोचती भी नहीं है। इसको हमने कितनी बार समझाया कि थोड़ा उड़ने का कोशिश करो, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन ये उड़ने की तो क्लास ही बंक कर देती है। ठीक है मैडम, हम कुछ कुछ करके इसको अगली बार कुछ ट्यूशन व्यूशन करवाएंगे तो मछली को उड़ना उड़ना सिखाएंगे अगली बार, राइट। उसके बाद एक बंदर के पापा आए क्लासरूम में रिपोर्ट लेने के लिए, तो बोले क्या बोला, हाँ ये पेड़ पे तो थोड़ा बहुत चढ़ जाता है लेकिन इसको बोलो ना उड़ने के लिए तो उड़ता नहीं है, कूदता है, ये शरारती बच्चा है ये तो, और तैरने का तो इसको सोचो ही मत, क्लास ही बंक कर जाता है, पानी देख के भागता है दूर, राइट। फिर एक चिड़िया की मम्मी आई पेरेंट टीचर मीटिंग में रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, तो क्या बोला होगा चिड़िया के टीचर ने, उड़ती तो है ये बात तो मानने की है, उड़ती तो उड़ तो लेती है ना, लेकिन इसको तैरने के लिए जरा बोलो, इसके बस का ही नहीं है जी तैरना, उसको कुछ करवाओ, एक्स्ट्रा क्लासेस ट्यूशन व्यूशन रखवाओ इसकी, कुछ नहीं करती, तैरना नहीं जानती है ये, और दौड़ने के लिए बोलो तो आती नहीं है क्लास में, बंक मार जाती है दौड़ने की क्लास का तो ये, राइट। तो क्या हुआ, सारे बच्चे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्या आप में से कोई बता सकता है कि बच्चे क्यों फेल हो गए? हाँ बताएं प्लीज, आपको क्यों लगता है बच्चे फेल हो गए? हाँ आप कुछ कह रहे हैं बताएं, आपको क्यों लगता है कि मछली फेल हो गई? हाँ आप बताएं थोड़ा सा क्या? Yes, yes. You only please stand up and let us give him a big hand. You know, आज हमारे बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम शर्माते हैं, हम अपने मन की बात बाहर बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, और जिस बच्चे ने हिम्मत की है लेट अस गिव हिम अ बिग हैंड, लेट अस फर्स्ट एक्नॉलेज हिज करेज दैट ही कुड स्टैंड अप इन अ पब्लिक ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड से व्हाट ही हैज टू से। यस डियर प्लीज, ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अपने फील्ड में नहीं थी बैठ जाए, क्योंकि वो तैरना जानती है,
अपने फील्ड उसका तैरना है। टीचर ने क्या बोला, तैर तो लेती है ये, लेकिन उड़ना नहीं जानती, उसका एरिया ही नहीं है, कैसे उड़ेगी? उड़ सकती है क्या? नहीं उड़ सकती है। तो हमें स्कूल्स में जब हम लोग आते हैं, क्या करने आते हैं? लाइफ में सक्सेसफुल होने आते हैं, लाइफ में कुछ आगे बनना चाहते हैं। और जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मुझे पता चला है, आप सब लोग शायद 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं, और कौन सी क्लास के हैं? 9th एंड 10th के हैं। तो हम लोग इस वक्त इस एज से गुजर रहे हैं जब हमें डिसीजंस लेने हैं कि मुझे आगे जाके साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। हर 9th 10th के बच्चे को ये होता है। किसी कितने बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या लेना हमारे लिए अच्छा होगा, इस फेज से गुजर रहे हैं? राइट, सभी बच्चे जो हैं, ब्यूटीफुल, सभी बच्चे इस फेज से गुजर रहे हैं। तो पहले तो सबसे काम ये है, पहचाने क्या आप मछली हैं या आप बंदर हैं या आप चिड़िया हैं या आप सांप हैं। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना शुरू करें और फिर उस तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, नहीं तो क्या होगा, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। होना है क्या फेल? कितने बच्चे फेल होना चाहते हैं? कोई नहीं। अरे ब्यूटीफुल। तो क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एज 9th एंड 10th स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चूज योर कैरियर। और वो जो चूज करना है, व्हाट इज द राइट कैरियर, किसको हम सही कैरियर मानते हैं, कोई बता सकता है बच्चा? अभी तक हमने जितना डिस्कस किया आंसर वही है। और कौन बच्चा इनिशिएटिव लेगा पहले, उसके लिए फिर तालियां बजाई जाएंगी, या पहले ताली बजा दें फिर उसमें से बीच में कोई इनिशिएटिव लेके खड़ा हो जाएगा? कौन खड़ा होना चाहता है बताएं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ राइट कैरियर? कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, हम अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्या वो हमारे लिए राइट कैरियर है? आई से नो, क्योंकि अमिताभ बच्चन इंजीनियर नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है, सचिन तेंदुलकर इंजीनियर नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है, लता मंगेशकर इंजीनियर नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है। सक्सेस कहाँ आती है? सक्सेस मछली को सक्सेस मिलेगी तैरने में, पक्षियों को सक्सेस मिलेगी उड़ने में, बंदर को सक्सेस मिलेगी चलने में। पहले अपने पोटेंशियल को पहचाने। यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में कितने सारे तरह के प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट है, कुक है, क्लीनर है ना, मॉडल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट कैरियर? व्हाट आई से इज द फर्स्ट इज विच इज इन लाइन विद योर क्यूरोसिटी। जो हमारी क्यूरोसिटी के लाइन, क्यूरोसिटी का मीनिंग क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरोसिटी? न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा है, सब लोग जानते हैं ना इस बात को? हाँ, मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, अगर हमें एक मर्डर अलाउ होना तो हम न्यूटन को मार देंगे, उसने सब बच्चों को दुखी कर रखा है। तो न्यूटन जो है वो अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सेब नीचे गिरता है। न्यूटन के मन में क्वेश्चन आते हैं, ये सेब नीचे क्यों गिरा? अच्छा, न्यूटन से पहले किसी के सामने सेब नहीं गिरा था क्या नीचे? गिरा होगा, ऑब्वियसली गिरा ही होगा, है ना। न्यूटन को क्यों पता लगा, न्यूटन ने क्यों इसको एक देखा कि ये पेड़ नीचे ही, ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है? बिकॉज ही हैड द क्यूरियोसिटी टू नो। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी से उसकी नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। राइट, हमें जो क्यूरियोसिटी है, तो अपनी सबसे पहला कैरियर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपनी क्यूरियोसिटी को पहचाने। कितने लोग हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, नॉट डैट कि डॉक्टर को पैसे अच्छे मिलते हैं, नॉट डैट कि डॉक्टर को एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, नहीं, सिर्फ इसलिए कि कितने लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है डॉक्टर बनने की, कितने बच्चों को क्यूरोसिटी है इंजीनियर्स बनने की, कितने बच्चों को क्यूरोसिटी है आर्टिस्ट बनने की, लॉयर्स बनने की। बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी क्यूरोसिटी को पहचानना है, क्या करने में मज़ा आता है। राइट, क्यूरोसिटी को कैसे पहचानेंगे, मुझे क्या करने में मज़ा आता है। राइट, उसी तरफ फिर हमें अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है।